स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या चीज स्टार्ट करनी है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल। क्या था? सेम टॉपिक था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। पहले पन्ने क्या देखा था? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या चीज देखी थी? ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या था कि ग्राफ से ये देखना था कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, वो क्या चीज थी, ठीक है? वो क्या चीज थी कि नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड होंगे। एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से अपने को क्या पता चलेगा कि उसके कितने जीरोस हैं। अब अपन क्या बोलोगे, फिर से क्या बोलो? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल इसका मतलब रिप्रेजेंट करना, मतलब अब अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ एक्चुअल या फिर सिर्फ रिप्रेजेंट कर जाए एक्स से ही जीरो होंगे, बता रहा हूं एक बार, उसके बाद बता रहा हूं, ठीक है। लीनियर होगा इसका मतलब डिग्री कितनी होगी, वन, ठीक है। अब मैं कोई भी डिग्री वन की पॉलीनोमियल लेता हूं, फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि ग्राफ बनाने के लिए जो पॉलीनोमियल गिवन है उसको क्या करूंगा मैं, वाई के इक्वल लिखूंगा। क्या करूंगा, जो भी पॉलीनोमियल दिया है उसको क्या करूंगा, कंसीडर y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। इसको क्या मानना है, इसको कंसीडर करके मेरे को क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाऊंगा, एक छोटी सी क्या करूंगा, टेबल बनाऊंगा। क्या करूंगा, एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन आ रही है ना, और क्या करनी है, एक सॉल्यूशन टेबल बनानी है छोटी सी, ठीक है। पहले वाला नहीं दिख रहा, ठीक है। क्या बनानी है, सॉल्यूशन टेबल, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन टेबल, ठीक है। सॉल्यूशन टेबल का मतलब क्या है, अब थोड़ी आ रही है रिफ्लेक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन टेबल बनानी है और करना क्या है कि मिनिमम एक्स और वाई की, मतलब एक्स की एक वैल्यू लिखूंगा, यहां पर रिफ्लेक्शन आ रही है जहां पे सॉल्यूशन टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। करने क्या है, अपने को मिनिमम तीन सॉल्यूशंस बनाने, कैसे, एक्स की कोई एक वैल्यू पुट करूंगा वाई की वैल्यू आएगी, 3 is enough for graph. Actual में तो 2 ही enough है. 2 से क्या होगा? 2 points होंगे. 2 points को join कर दिए एक line तो बनी जाए. लेकिन अपने को करना क्या? अपने को 3 बनाने. वो जब मैं graph बनाऊंगा तब बताऊंगा कि तीसरा जरूरी क्यों है. Why is third important? क्या क्या? यहाँ पर लिखूंगा x, यहाँ पर लिखूंगा y. X की value मैं कोई भी put करूंगा, ठीक है? x की वैल्यू में यहाँ कोई भी एक वैल्यू पुट की, मान लो कि x की वैल्यू मैंने पुट की 0, 0 पुट करूंगा तो ये टर्म 0, y किसके इक्वल है, माइनस 3, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट की, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 3 या जाएगा माइनस का 1। x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 कितना जाएगा 1। मेरे पास कितने पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट, ठीक है। अब x और y दो चीजें हैं मेरे पास, मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा सीधा सा एक ग्राफ बनाऊंगा, कौन सा, जैसा पहले बना रहे, ठीक है। ये क्या है, x एक्सिस, और ये क्या है, y एक्सिस,
ठीक है, x वाली वैल्यू x से देखनी है, y वाली वैल्यू कहां से देखनी है, y से। ये 1 2 3 1 2 -1 -2 यहां पर क्या आएगा, -1 -2 और -3। पहला पॉइंट ये है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहां पर होगी, यहां पर, क्यों, क्योंकि यहां पर तो दोनों ही 0 है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, कहां पर आएगी, -1 -2 और -3 कहां आएगा, -2, ये नहीं लिख रहा, -1 -2 और ये लिया -3। ठीक है, स्क्रीन ब्लैक हो गई सबकी, सबकी स्क्रीन ब्लैक है, नहीं है ऐसे। ठीक है, x की वैल्यू 0 कहां पर होगी, यहां पर है, और y की वैल्यू -3, तो इसी लाइन पे ऐसे जाना, -3 कहां पे, यहां पर। एक पॉइंट मिला, ये करके ऐसे सर्कल कर दिया ताकि मेरे को पता चल जाए पॉइंट कहां पर है। दूसरा, x की वैल्यू 1 कहां पर है, यहां पर, y की वैल्यू -1 कहां है, यहां पर। तो इसका मतलब है, एक तो ऐसे देखना है, एक ऐसे देखना है, कहां पर मिलेगा मेरे को पॉइंट, यहां पर। देखो x की वैल्यू कहां पर है, यहां पर -1 है, x की वैल्यू 1 है, सॉरी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 है, कहां पर मिलेगा मेरे को, यहां पर। ये बना दिया सर्कल, अब इस पॉइंट से देखा y की वैल्यू कहां से मिलेगी मेरे को, यहां से -1 है, x की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से, कितना है 1। तीसरी वैल्यू क्या है, तीसरी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 यहां पर है, y की वैल्यू 1 यहां पर है, तो पॉइंट कहां पर मिलेगा मेरे को, ये वाला। इसको भी क्या किया, नोट करके एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब देखो कोई भी दो पॉइंट को मैं क्या करूंगा, जॉइन करूंगा, करना क्या है, सिर्फ दो पॉइंट को जॉइन करना है विद ए स्ट्रेट लाइन। कैसे, ये स्टार्ट किया, ये लाइन गई, ये, ठीक है, ये लाइन अगर तीसरे पॉइंट से पास हो रही है, वैल्यू कैसे निकाली, x की कोई भी एक रैंडम वैल्यू पुट करूंगा जो, जिससे मेरी क्या हो, कैलकुलेशन आसान। x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट करते ही y की वैल्यू आई -3, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, -1, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू आई 1। रैंडम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते, आप अगर x की पुट ना करना चाहो तो आप y की वैल्यू की पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, ठीक है, -3 इधर से आएगा, 4 डिवाइडेड बाय, हां अपन 1000 भी ले सकते हैं, 1 लाख भी ले सकते हैं, लेकिन फिर ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो इसलिए क्या करते हैं, छोटी वैल्यूज लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इरेशनल रैशनल कैसी भी वैल्यूज, ठीक है, बट लेकिन वैल्यूज कैसे पुट करनी है, रियल वैल्यूज, ठीक है, ऐसा नहीं कि x की वैल्यू पुट की -2 का रूट, ठीक है, ऐसी वैल्यूज नहीं पुट करनी, ठीक है, करना क्या है, फिर तीसरा पॉइंट किस चीज के लिए कैलकुलेट किया था, कि कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करूंगा अगर तीसरे पॉइंट से पास कर रही है, तब तो इसका मतलब अपना जो सॉल्यूशन बनाया है वो सही है, ठीक है, अगर तीसरे पॉइंट से पास नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें किसी एक पॉइंट में गड़बड़ है, किस चीज में, कैलकुलेशन में सिर्फ, ठीक है, अगर आप कोई भी दूसरी वैल्यू लोगे, जैसे मान लो कि मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा तो कितना आएगा, 3 × 2 = −3, तो 3 पे कहां जाएगा, ये देखो लाइन, अगर यहां से ऊपर आऊं तो ये कहां काट रही है, देखो 2 तो कहां रह जाएगा, यहां पर, ये वैल्यू कहां, ऊपर, इसका मतलब ये वैल्यू कहां पर होगी, 3 पे, ठीक है, आप कोई भी तीन पॉइंट ड्रॉ करना, दो पॉइंट्स को जॉइन करना, अगर तीसरे पॉइंट से लाइन चली गई तब तो आपका ये सॉल्यूशन सही है, अदरवाइज आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है किसी एक टर्म, तो आप उसको रीचेक कर सकते हो, अदरवाइज ग्राफ तो 2 से ही बन जाएगा,
तीसरा क्या है, अपने ग्राफ को रीचेक करने के लिए, अपने सॉल्यूशन को रीचेक करने के लिए। दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन नहीं, तीसरे पॉइंट से पास हुई, इट मींस आवर सॉल्यूशन इज राइट, अदरवाइज इट्स रॉन्ग। आप चाहे किसी की भी वैल्यू पुट करो, चाहे आप एक्स की वैल्यू पुट करो, चाहे वाई की वैल्यू पुट करो। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन में, मतलब इसकी जो लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट लिया, जैसे मान लो ये पॉइंट लो, इसको इधर जॉइन करो, इधर जॉइन करो, तो दिस इज ए सॉल्यूशन। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो क्या है, इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। कब, लेकिन फिर बात करो ये सॉल्यूशन किसके है, इसके, ठीक है, इसके नहीं है, जीरोस नहीं है, ये क्या है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है वो y is equal to 2x minus 3 का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन पॉलीनोमियल का जीरो नहीं है वो, पॉलीनोमियल के जीरोस कहां से मिलेंगे, मिनिमम सॉल्यूशंस विल बी टू इफ वी पुट y is equal to 0 एंड अनदर सॉल्यूशन इन व्हिच x is equal to 0। अरे नहीं, एक लीनियर इक्वेशन ये बनी है इन टू वेरिएबल्स, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। हाँ, टू वेरिएबल्स वाला नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक बार जनरल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बना। ये हमेशा कैसे बनेगी, लीनियर से स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये हमेशा क्या करेगी कि इसको इंटरसेक्ट कर सकती है या नहीं करेगी, दो ही केसेस है, ठीक है, होगा क्या, या तो x एक्सिस को ये काट सकती है या नहीं काटेगी, दो ही केस है, दो ही केस हो सकते हैं ना, दो केस है, दो केस में होगा क्या, अगर लीनियर है तो x जरूर होगा, और x इज इक्वल टू y आया, x के टर्म्स में y के इक्वल है, इसका मतलब ये हमेशा इसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करेगी तो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो तो इस पॉलीनोमियल का क्या होगा, जीरो, और बाकी के क्या है, इस लीनियर के सॉल्यूशन से जितने भी पॉइंट्स, ये सबको क्लियर है। एक लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या करेगी, हमेशा स्ट्रेट होगी। एक लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, और उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, लेकिन उस पॉलीनोमियल के जीरोस नहीं है। जीरोस कौन से होंगे, जो उस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो उस पॉलीनोमियल का जीरो होगा। इतना सबको क्लियर है, जो एक्स एक्सिस पे होगा वो उस पॉलीनोमियल का जीरो, बाकी के सॉल्यूशन से इस लीनियर इक्वेशन के। अब देखो रफ आइडिया लगा के देखो, 2x माइनस 3 को क्या करूंगा, जीरो के इक्वल पुट किया, ठीक है, किस चीज के लिए, कोई जीरो है, जीरो है, जीरो कहां पे मिलेगा अपने को, इस पॉलीनोमियल के जीरोस कहां मिलेंगे, लीनियर इक्वेशन का जीरो नहीं होता, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन पॉलीनोमियल का क्या होता है, जीरो होता है। यही बात मैं बोल रहा था इतनी देर से कि अगर लीनियर इक्वेशन है तब तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, कैसे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, उसके सॉल्यूशंस, लेकिन जीरो की बात की जाएगी तब किस चीज के लिए है, पॉलीनोमियल के लिए, और पॉलीनोमियल का जीरो कहां से मिलेगा अपने को, कि जहां पर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब भी किसी को कोई डाउट है इसमें, अरे क्यूबिक पे कहां है, पहले लीनियर तो समझ सर, इसमें कहां है, क्या जीरो, जीरो देखना है, पॉलीनोमियल का जीरो तो x एक्सिस को कहां पे काट रहा है, यहां पर, तो ये है इसका जीरो, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल 1.50 है, हाँ अप्रोक्सीमेटली रफ डायग्राम बनाया तो 1.5 ही होगा।
सर एक ही पॉइंट होता है हमेशा। हाँ अगर लीनियर इक्वेशन है तो जीरो हमेशा एक ही पॉइंट होगा। वन पॉइंट फाइव पे वैल्यू जीरो आ रही है तो वाई की वैल्यू जीरो, मतलब पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो। तो पॉलीनोमियल की जीरो जिस वैल्यू के लिए है वो हमेशा क्या होता है सर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से पॉलीनोमियल से जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये लिखा हुआ जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या उसका जीरो, एक्स एक्सिस में जीरो ऑफ पॉलीनोमियल ही क्यों होता है वाई नॉट वाई एक्सिस, क्योंकि पॉलीनोमियल को क्या माना है वाई, पॉलीनोमियल को क्या माना है वाई, ठीक है। तो वाई जीरो होगा मतलब पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो होगी, और वाई की वैल्यू जीरो कहां पर होती है सिर्फ एक्स एक्सिस पे, इसी लाइन पे वाई की वैल्यू क्या होगी जीरो, इसीलिए इस लाइन वाले ही क्या होंगे इसके जीरो। अगर मान लो कि पॉलीनोमियल गिवन है वाई के टर्म्स में और मैं उस पॉलीनोमियल की वैल्यू मान लेता हूं एक्स, ठीक है, तो क्या होगा यहां पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इतना याद रखो पॉलीनोमियल को क्या माना वाई, ठीक है, वाई माना इसका मतलब पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब वाई की वैल्यू जीरो, और वाई की वैल्यू जीरो कहां पर मिली मेरे को एक्स एक्सिस पे ही मिलेगी कंप्लीट, ठीक है। तो x एक्सिस पे जहां भी इंटरसेक्ट करे वहां पे y की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो वो क्या होगा उसका जीरो ऑफ a पॉलीनोमियल। सर इफ लाइन इज वर्टिकल देन जीरो इज इनफाइनाइट, हां अभी बना के बताता हूं, लेकिन वो लीनियर नहीं होगी, वो क्या नहीं होगी लीनियर नहीं होगी, बताता हूं अभी। ये क्लियर है लीनियर वाला, किसी को कोई डाउट है लीनियर में, लीनियर में किसी को कोई डाउट है, ठीक है। अब देखो एक पॉलीनोमियल लिख रहा हूं क्या p of x is equal to 2, अभी क्या किया था ग्राफ बनाने के लिए पॉलीनोमियल को किसके इक्वल मानते हैं y के इक्वल, तो कंसीडर किया गया y is equal to 2, ग्राफ बनाता हूं मैं। ग्राफ बनाने से पहले मेरे को रिक्वायरमेंट किस चीज की है, सॉल्यूशन टेबल की, तो सॉल्यूशन टेबल बनाता हूं। सॉल्यूशन टेबल में क्या बताया था कि मिनिमम तीन पॉइंट निकालने, एक x होगा एक y होगा, x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो y की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी 2, x की वैल्यू चाहे मैं कुछ भी पुट कर दूं क्यों, क्योंकि x तो उसमें है ही नहीं, ये क्लियर है सबको, y की वैल्यू हमेशा 2 है, हमेशा 2 है चाहे x की वैल्यू को कुछ भी दूं, किसी को डाउट है इसमें, नहीं है। अब देखो पॉइंट बना था 0, 1, 2, -1, -2, 1 और 2, -1, -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, पॉइंट आया यहाँ पर, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 यहाँ पर मिलेगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पर, y की वैल्यू 2 मिलेगी यहाँ पर, लाइन ड्रॉ करती x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसके जीरोस बता सकते हो कि इस पॉलीनोमियल की वैल्यू कभी जीरो हो सकती है, कोई पॉलीनोमियल उसकी वैल्यू ऐसे जीरो कभी जीरो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब इसका कोई जीरो नहीं होगा क्योंकि पॉलीनोमियल की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं, पहले दूसरे पॉइंट को ज्वाइन किया, तीसरे से उसको वेरीफाई कर लिया ये लीनियर पॉलीनोमियल है नहीं है, तभी तो बोला था ना कि लीनियर पॉलीनोमियल तो हमेशा उसको इंटरसेक्ट करेगी, नो सर, लेकिन अगर बिल्कुल एक्स एक्सिस से टच होगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस से टच कैसे होगा उसका भी एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ठीक है।
x एक्सिस पे टच नहीं होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, पॉलीनोमियल को जीरो मान लिया मैंने, पॉलीनोमियल को जीरो मानूंगा तो कैसे बनेगी? सबसे पहले तो सॉल्यूशन टेबल x y, y की वैल्यू तो हमेशा 0, x की वैल्यू 1, 0, माइनस 1, ये क्या है, x की वैल्यू 1, 2, माइनस 1, माइनस 2, 1, 2, माइनस 1, माइनस 2, x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये आ गया पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू 0, ये लो लाइन भी कौन सी है, यही रह गई, और पॉलीनोमियल की वैल्यू पहले से 0, तो आप x की कितनी भी वैल्यूज पुट कर दो, पॉलीनोमियल की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0, तो इसमें कितने आ गए उसके इनफाइनाइट जीरोस, जो उसे पूछ रहा था कि सर इनफाइनाइट जीरोस कैसे होंगे, ये पॉलीनोमियल है, हां p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पॉलीनोमियल नहीं है, क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जब पढ़ रहे थे तब बताया था, क्या क्या बताया था कि जीरो पॉलीनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है, याद है कुछ, हर्स्टंडल अकुल ने पूछा सर यानी ये जरूरी नहीं है कि जीरो दर ओनली वन, जीरो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है वो बात की बात है, सिर्फ इस केस में इनफाइनाइट है, अदरवाइज आपको पता होगा कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चीजें बताओ अभी कि मैक्सिमम कितने होते हैं, और सर अगर लाइन पैरेलल हो तो ये वाली पैरेलल है तो नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो, ठीक है, अगर पैर कोइंसाइड कर रही है एक्स एक्सिस से ये जीरो पॉलीनोमियल है, और ये कौन सी है लीनियर पॉलीनोमियल, लेकिन अगर डिग्री की टर्म्स में बात की जाए तो कैसे कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ये क्लियर है बेटा, आकृति खजूरिया इज इट क्लियर, जेसिका सिंह क्लियर, जेसिका सिंह सर हाउ y इज इक्वल टू 2, टेस्ट की डिग्री कौन सी की, इस वाले की, आकृति इसकी पूछ रहे हो, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलीनोमियल, भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड तुम क्लास में थे जिस दिन क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, और उसके बाद जब मैंने रिवाइज करवाया था तब भी नहीं था, दो बार पढ़ा चुका हूं मैं क्लासिफिकेशन, अगर इसकी पूछी जाए ये क्या है, टू क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पॉलीनोमियल, और कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री बताई थी कितनी होती है, जीरो, अगर किसी को अभी भी पुराने लेक्चर्स में डाउट है, मैंने पिछली क्लास मतलब कल परसों जो क्लास हुई थी उसमें मैंने सारी चीजें फिर से रिवाइज करवाई थी, अगर किसी को याद हो तो, सॉरी ये किसने पूछा था y इज इक्वल टू 2 वाला, मैंने मिटा दिया सर, y इट इज इंपॉर्टेंट दैट ओनली x एक्सिस से ही पास होगा तो 0 होगा, ये अभी समझाया था कि पॉलीनोमियल को किसके इक्वल मानते हैं, y के इक्वल मानते हैं, तो y 0 होगा तभी तो पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 होगी, और y की वैल्यू 0 कहां पर होती है, सिर्फ x एक्सिस से, अब क्लियर है, ठीक है, और तुमने अभी पूछा था कि y is equal to 2 क्यों है, पॉलीनोमियल ही 2 थी तो पॉलीनोमियल को मानते थे y, तो y is equal to 2 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि उसमें x तो है ही नहीं, x नहीं है तो x को मैं कुछ भी मानूं y तो 2 ही रहेगा, किसी ने भी पूछा हो
अभी पूछा था चाहिए अकुल, सॉरी अकुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। देखो सिर्फ मीनिंग बताऊंगा, रिप्रेजेंटेशन अपन कब करेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार सिंपली बस ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। कंप्लीट अपन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब। अभी बता रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, देखो ग्राफ, सिर्फ ग्राफ देखना है अपने को, ठीक है। ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। एक जनरल जनरल एक्सप्रेशन की बात की थी ना अपन ने, तो मैं एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिख रहा हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक जनरल क्वाड्रेटिक लिखी, लेकिन अपन क्या करेंगे, पॉलीनोमियल को मानेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मान लिया कि पॉलीनोमियल सिर्फ इतनी है, ये जनरल है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मैं एक बार सिंपल पॉलीनोमियल ले रहा हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने लिया, करूंगा क्या, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अच्छा अब वैल्यूज पुट करना है, एक बार x की वैल्यू भी पुट की 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू अगर 0 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, वेरी गुड। ये x, ये y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पुट करूं y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, x की वैल्यू माइनस 1 पुट की y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, x की वैल्यू 2 पुट की y की वैल्यू कितनी आएगी, 4, x की वैल्यू माइनस 2 पुट की y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। चलो एक बार बस इतने पॉइंट नोट करते हैं, उसके बाद कुछ जनरल बनाते हैं इससे। देखो x की वैल्यू 0, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट तो मिला ही है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, दूसरा पॉइंट मिला ही है, x की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू 1, ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, 2 पे कहां है, 4, 2 पर वैल्यू मिली मेरे को 4, फिर माइनस 2 पे भी क्या मिली, 4। और देखो स्ट्रेट लाइन तो इन 5 पॉइंट से कैसे बन सकती, नहीं बनेगी ना, माइनस 4 करो क्या होता है, माइनस 4 का रूट किसने पूछा, माइनस 4 का रूट पूछा है फ्यूचर बने, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, ये रियल नंबर नहीं है, अपने को सिर्फ बात किसकी करनी है, रियल नंबर। देखो 1, 2, 3 ये ऐसे है, ये भी ऐसे है, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी, ये तो क्लियर है। तो ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक कर्व। ये कैसा बनता है, ऐसा बनता है, मतलब ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये क्या करेगा, 0 से 1 तक ऐसे इंक्रीज करेगा, जैसे 3 पुट करो कहां 9 पे चली जाएगी, इसका मतलब की ऐसे इंक्रीज करता हुआ जाएगा, और इधर भी क्या होगा, माइनस 3 पुट करूंगा तो भी ये कैसा आएगा, ऐसे पैराबोलिक कर्व, ठीक है। अब देखो सिंपल सा एक इसी के साथ में दूसरा ले रहा हूं, क्या p ऑफ x को लिया मैंने माइनस का x स्क्वायर, तो मैं ये जो वैल्यूज थी y की ये सारी कैसी हो जाएंगी,
चलो बना के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। छोटा सा ग्राफ बना लो बस, जीरो पे जीरो x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी, यही हो जाएगा y is equal to minus x square, y क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट की y क्या बनेगा, माइनस का 1, x की वैल्यू 1 पुट की y है माइनस 1, मतलब इस साइड x की वैल्यू 2 पुट करो y कितना आएगा, माइनस का 4, तो इसका मतलब इस साइड और नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये किधर जाएगा, इस साइड, तो जितना इधर बनेगा वैसे इधर बनेगा, ये क्लियर। देखो सिर्फ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, पहले पॉजिटिव था तो ऊपर, नेगेटिव बना तो किधर चला गया, नीचे, बस इतना ही याद रखना, क्या कि x स्क्वायर की टर्म अगर पॉजिटिव है, मतलब अगर जनरल लिखा है तो a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा इससे ऊपर x एक्सिस से, ठीक है, करेगा क्या ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ कम किधर होगा, नीचे की तरफ, बस इतना याद रखना, ये क्लियर है सबको, क्लियर है। अब देखो क्लियर है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट केस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, y is equal to given है a x square plus b x plus c, तो मैं पहले क्या ले लूं, केस वन, केस वन क्या लूंगा, a क्या है पॉजिटिव, a कैसा है पॉजिटिव, बी एक्स और सी का क्या रोल है ग्राफ में, वो बात की बात है, वो क्वाड्रेटिक में देखेंगे, बस अपने को अभी ए पे कंसंट्रेट करना है कि ए की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, किसको, इसको अच्छा शर्मा, इसको पूछ रहे हो ग्राफ को, ग्राफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी तो बताया, अभी बता रहा हूं सर, देखो ए अगर पॉजिटिव है तो अपने को पता था ग्राफ किधर से ओपन था, ऊपर की तरफ ओपन था, ए था ना, तो मैंने किया क्या, ग्राफ जो बनाया वो कैसा बन सकता है, ऐसा कुछ बनेगा, ये क्लियर, क्या है ऊपर की तरफ ओपन होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे उसकी बात ही नहीं करना, मैं क्या बोलूं, अगर अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब अगर a वाला पॉजिटिव है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा बोला मैंने, पॉजिटिव, तो ग्राफ किधर ओपन होगा, ऊपर की तरफ, और इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला, क्या बोलते हैं पैराबोला, जैसे लीनियर में क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन बनती है, इस वाले को क्या बोलते हैं पैराबोला, ये क्या है ऊपर की तरफ ओपन है, तो अपन ये बता सकते हैं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ किधर ओपन होगा ऊपर की तरफ। अब देखो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस, कैसे, या तो ऐसे बना होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये सिर्फ ऐसे टच करके निकल जाए, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि ये वाला ग्राफ इसको टच ही ना करे और पैराबोला तो हमें जाए, ऐसे कुछ और बन जाए, ठीक है। बस अपने को क्या करना है, ग्राफ किधर ओपन करना है, सिर्फ ऊपर की तरफ, ग्राफ किधर ओपन करना है ऊपर की तरफ, कब, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा, इसमें इसके जीरोस कितने होंगे, जीरो, मतलब कोई जीरो नहीं होगा इसका, हमेशा यू जैसा कुछ बनता है, दैट इज कॉल्ड पैराबोला, ठीक है, ये हमेशा ऐसे इंक्रीज करता हुआ जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर है क्या कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो यू जैसी शेप बनेगी जिसको बोलते हैं पैराबोला, या तो ये दो जगह काटेगा x एक्सिस को, या सिर्फ टच करके जाएगा, या फिर नहीं काटेगा,
तो इस केस में नो जीरोस, इस केस में वन जीरो, इस केस में टू जीरोस, इतना सबको क्लियर है सर? ये एक्स एक्सिस से नीचे जा सकता है क्या? अगर कितना भी नीचे चला जाए, मान लो कि ये ग्राफ ऐसा कुछ बना हुआ है, अगर ये नीचे भी गया तो ऊपर की तरफ तो ये बढ़ते रहेगा, ये लाइन हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती रहेगी, तो जितना नीचे जाएगा फिर भी इसको काटने तो आएगा ही आएगा ऊपर। इसका बेस, इसका बेस, बेस मतलब व्हाट डू यू वांट टू से, सब जहां से एक्स एक्सिस पे टच हुआ, ये सिर्फ अगर टच हुआ तब, सर थर्ड एग्जांपल में तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो इसके जीरोस क्या होंगे? अभी तो बताया नो जीरोस, नो मतलब एन ओ, कोई नहीं, एक भी जीरो नहीं होगा, जीरो जीरोस, ठीक है? केस वन क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? टच वाले में कितने जीरोस होंगे? ओनली वन, एक पॉइंट पे टच करा तो वन जीरोस, वन। इफ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, वुड वी ऑलवेज हैव टू मेक ए ग्राफ? अरे अपने को कुछ नहीं करना, अपने को नंबर ऑफ जीरोस नहीं कैलकुलेट करने सर, व्हाई यू राइट केसेस? देखो एक केस तो कि मैंने इसलिए बनाया कि ए पॉजिटिव है, दूसरा सिर्फ इसलिए बनाऊंगा कि ए क्या होगा, नेगेटिव। तो ये वाला जो यू की शेप में पैराबोला बना हुआ है, ये क्या बनेगा? नीचे की तरफ झुक जाएगा। अगर जीरो से पास करेगी तो जीरो उसका एक जीरो होगा, बस अपने को देखो वो सब मैंने क्या कहा था, अभी कंप्लीट पढ़ेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अभी अपन सिर्फ बात कर रहे हैं कि पैराबोला कौन सी साइड है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है? अगर अभी क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर दें तो ये वाला चैप्टर तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ इतना याद रखना कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो पैराबोला था वो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर एक्स एक्सिस को दो जगह काटा तो दो जीरोस, अगर सिर्फ एक जगह टच किया तो एक जीरोस, चाहे वो कहीं भी टच करे, अगर कहीं टच नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को या कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो उसका कोई भी जीरो नहीं होगा। इतना सबको क्लियर है? सबको क्लियर है, ठीक है? अब मैं बता रहा हूं केस टू, केस टू में क्या था, ए कैसा होगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो मैंने क्या बताया था कि वो वाला मेरा वाला किधर होगा? नीचे की तरफ ओपन होगा, कैसे? ऐसे, ठीक है? इस केस में क्या होंगे सर? कितने केसेस होते हैं बेटा? दो ही केस बनेंगे, या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ठीक है? अगर ए जीरो हो गया तब तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, ठीक है? तो फिर ए जीरो नहीं मानेंगे, ए या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाला देख चुके, सही कहा, अगर कोई जीरो नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं होंगे, रियल तो नहीं होंगे, वो बाकी बात है। मैंने अभी कहा क्वाड्रेटिक कंप्लीट पढ़ेंगे तब, अभी सिर्फ अपने को इतना ही सीखना है जितने की जरूरत है, ठीक है? तीन से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं क्या? मैंने भी क्या कहा कि एक बार जितना बता रहा होगा ना, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? इनफाइनाइट वाला एक ही केस था, इसके अलावा कोई केस नहीं होगा, ठीक है? यह क्या होगा? ये वाला क्या होगा? ऐसे सिर्फ टच करके चला जाएगा। यह भी क्या होगा? ये कंप्लीटली एक्स एक्सिस से नीचे होगा। क्या होगा? ऐसा कुछ कंप्लीटली एक्स एक्सिस से नीचे। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस टू, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस वन, और इस केस में नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो। इतना सबको क्लियर है?
चलो इतना क्लियर है तो अब मैं बताता हूं नंबर y इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ x, वो तो सीधे सीधे दिख रहा है ठीक है। बस अभी इतना याद रखना a पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसे ग्राफ अगर बनाया हुआ है तो a से तो a पता चलेगा कैसा बनेगा, कि पैराबोला बनेगा या तो नीचे की तरफ ओपन होगा या अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, और फिर अगर दो जगह इंटरसेक्ट किया तो दो जीरो लिखा है सर y दिस इज डिपेंडेंट ऑन x, अरे यार वेरिएबल क्या था बोले हो गए आयुष्मान रिकॉर्डिंग होना है डोंट वरी रिकॉर्डिंग ऑन ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं ठीक है सर इट्स अ किड नॉट मी व्हाट अ किड। चलो कोई लेट इट बी, अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे या नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल। देखो अगर ग्राफ बना हुआ है तब तो क्या होगा, अगर ग्राफ बना हुआ है तब तो क्या होगा, ठीक है अगर ग्राफ बना हुआ तो सीधा सीधा ग्राफ देखना है और ग्राफ में क्या देखना है कि x एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ठीक है। अगर ग्राफ नहीं बना हुआ तो क्या होगा कि अगर लीनियर पॉलीनोमियल लिखी है लीनियर तब तो उसके जीरो होंगे मैक्सिमम वन और मिनिमम भी कितना होगा वन। कैसे ये चीज नंबर ऑफ जीरोस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, उसकी डिग्री पे, किस पे डिपेंड करते हैं डिग्री पे कि उसकी कितनी डिग्री है ठीक है। यस आई टोल्ड फॉर यू, मैंने कहा रिकॉर्डिंग ऑन है ठीक है। अगर लीनियर है तब उसके मैक्सिमम जीरोस भी वन और मिनिमम जीरोस भी वन। अगर क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम जीरोस होंगे दो और मिनिमम क्या होंगे जीरोस। अभी अभी देखा था ग्राफ कैसा था, अगर ऊपर बना हुआ है अपवर्ड पैराबोला है तो वो दो जगह इंटरसेक्ट कर सकता है या एक जगह टच कर सकता है या कहीं नहीं करेगा, तो मिनिमम तो आ जाएंगे जीरो और मैक्सिमम कितने होंगे टू, और मैक्सिमम हमेशा कितने हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है, मैक्सिमम कितने होते हैं जितनी उस पॉलीनोमियल की डिग्री होती है उससे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस पक्की नहीं होंगे ठीक है। क्वाड मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लीनियर मतलब लीनियर बोलो ठीक है। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं ठीक है, क्यूबिक पॉलीनोमियल की अगर बात करूं तो डिग्री होगी तीन तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होंगे तीन। अब देखो क्यूबिक बनेगी कैसे, किसमें दो सर मुझे समझ नहीं आया ये वाला कौन सा, क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में अभी बताया था कि ग्राफ कैसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या कुछ ऐसा बनेगा या कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा एक केस दो केस और तीन केस, या फिर सेम अगर रिवर्स में होंगे तो सेम होगा, तो बस सेम ही तो है। ऐसा केस बना तो दो, ऐसा बना तो जीरो और ऐसा बना तो वन, तो जीरो वन और टू में से मैक्सिमम होगा टू और मिनिमम होगा जीरो, बस वही लिखा। अब क्लियर है
ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबिक की, क्यूबिक की डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी तीन। अच्छा तीन बनेगी कैसे? ऐसा तो नहीं है कि 3/2 और 3/2 का ऐड हो जाएगा। लीनियर में मिनिमम एक क्यों है? लीनियर अभी अभी किया था मैंने, क्या कहा था एक्स एक्सिस को हमेशा इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन, अगर नहीं करेगी तो क्या केस होगा? कांस्टेंट वाला, और अगर कांस्टेंट है तो फिर लीनियर नहीं हो सकती, ठीक है। क्यूबिक की डिग्री है तीन, तीन है तो क्या होगा? या तो वो क्वाड्रेटिक और लीनियर, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तभी मेरे को क्यूबिक मिल सकती है। मैक्सिमम तो तीन होगी, क्यों? क्योंकि तीन क्या है उसकी डिग्री, तो मैक्सिमम तो हमेशा किसके इक्वल होते हैं? डिग्री के इक्वल। मैं बोल रहा हूं कि क्यूबिक बनी कैसे? एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर, दोनों का प्रोडक्ट होगा तभी मेरे को क्यूबिक मिल सकती है। क्या ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। जयशिका सिंह, इज इट क्लियर? शिखर, अच्छा सर मैंने पूछा कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले वही लिखा था। क्यूबिक में मिनिमम जीरोस, अभी बताऊं ना, एक मिनट रुकते जाओ। ये क्लियर है ना कि एक क्यूबिक पॉलीनोमियल मेरे को मिलेगी क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाइड बाय लीनियर। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? तो एक बात बताऊं, देखो ऐसा लिखा हुआ है, ये लीनियर मल्टीप्लाइड बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, is equal to p of x, दिख रहा है सबको? इधर लिख दो, is equal to p of x, ये क्या है? क्यूबिक पॉलीनोमियल, ये सबको क्लियर है? अच्छा ये जीरो होगा तभी इसकी वैल्यू जीरो, ये जीरो होगा तभी इसकी वैल्यू जीरो, एक वैल्यू यहां से, दो वैल्यूज यहां से होंगी, तो मैक्सिमम तो हो गया तीन, ये तो क्लियर है? ठीक है, अब मिनिमम बताओ कितने हो सकते हैं? ये प्रोडक्ट इनका है, ये तो हो सकता है कि क्वाड्रेटिक का मिनिमम जीरो, ठीक है, मिनिमम जीरो इसका मतलब ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती, जीरो कौन सी होगी? ये तो हमेशा जीरो हो सकती है क्योंकि इसका मिनिमम कितना है? वन, तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। क्या होगा? मिनिमम होगा वन, क्यों? क्योंकि ये x की एक ऐसी वैल्यू के लिए हमेशा जीरो हो सकती है, ये तो हो या ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक भी इन दोनों में से जीरो है तो प्रोडक्ट तो हमेशा जीरो ही आएगा। क्यूबिक कैसे रिप्रेजेंट होगा? क्यूबिक के मिनिमम जीरो नहीं समझ में आ रहे हैं। एक बात बताओ, मैंने मैक्सिमम कैलकुलेट किया कि ये जीरो होगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू जीरो आई। देखो डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेता हूं, x की एक वैल्यू, ठीक है, ये जीरो हो गया तो उसके लिए ये जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको कुछ भी लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक की लिख दिया, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू आ गई, दोनों का प्रोडक्ट ये क्या आएगा? जीरो। फिर एक्स की दूसरी वैल्यू पुट की, ठीक है, तो इसके लिए कुछ वैल्यू आ जाएगी, इस बार ये जीरो हो गया तब भी जीरो। x3 कोई वैल्यू पुट की, लीनियर का लीनियर रह गया, ये दो वैल्यूज के लिए जीरो हो सकता है तो इसमें भी जीरो, तो एक दो और तीन, तीन वैल्यूज पे क्या हो रहा है? पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो। x सर हम वैल्यू किसकी पुट कर रहे हैं? अरे ये चीज देखो ना, लीनियर जीरो हो, क्वाड्रेटिक की चाहे कोई भी वैल्यू है पॉलीनोमियल, चलो मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूं, ठीक है, एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल लिखा हुआ है
x multiplied by x square minus 1 is equal to p of x. ये कैसी है? लीनियर. ये कैसी है? क्वाड्रेटिक. ये क्लियर है? ये वाला क्लियर है ना? अच्छा, x की वैल्यू 0 पुट की, ये 0 आएगा. ये क्या है? 0 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 इज इक्वल टू p ऑफ x. ये किसके इक्वल आएगा? 0 इज इक्वल टू p ऑफ x. तो एक वैल्यू तो ये आ गई मेरे पास, ठीक है. अच्छा, x की वैल्यू 1 पुट करो तो बाहर आ जाएगा 1. इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू p ऑफ x. तो फिर से p ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई? 0. पॉलीनोमियल की वैल्यू 0. तो x की वैल्यू क्या पुट की थी मैंने? तो 2 0 जा गई. तीसरा, x की वैल्यू माइनस 1 पुट की, तो माइनस 1 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू p ऑफ x. इस केस में ये क्या बन जाएगा? 0. तो 0 बना तो तीसरा कहां से मिल गया मेरे को? ये बात. ये क्लियर है सर? x 0 हो तो 0 लिखा तो है मेरा. ये चीज क्लियर है ना? एक वैल्यू यहां से आ गई, एक यहां से, यहां से. एक बार लीनियर 0 हुआ, एक बार क्वाड्रेटिक 0 हुआ, तो दो तो इसकी वैल्यूज और एक इसकी वैल्यूज, तो मैक्सिमम तो आ गया मेरे पास 3. ये क्लियर? अब मिनिमम वाला केस समझाऊंगा. मैक्सिमम वाला क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो. लास्ट पार्ट कौन सा? मैंने कहा एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है. एक बार तो लीनियर 0 हुई, कब? जब x की वैल्यू 0 हुई. उसके अलावा देखो, वैल्यूज एक बार माइनस 1 है लीनियर की और एक बार माइनस 1 प्लस का 1, ठीक है. मल्टीप्लाई क्यों किया? क्यूबिक तो तभी बनेगी. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 3 और माइनस x इज इक्वल टू p ऑफ x. इसकी डिग्री कितनी है? 3. तभी तो क्यूबिक है. क्यूबिक की बात कर रहे थे ना, जिसकी डिग्री ओड हाउस में मिनिमम 0 से 1 होंगे. हाँ, सही बात है. अब क्लियर है ना? अब एक दूसरा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, जिसमें क्या होंगे, अपन मिनिमम ही कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है. एग्जांपल ले रहा हूं. एग्जांपल लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस x, ठीक है. p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x. देखो, x की वैल्यू 0 पुट की, तो p ऑफ 0 आएगा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है. अब एक बात बताना, क्या x की कोई वैल्यू पुट कर सकता हूं? x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं, x स्क्वायर हमेशा कैसा होगा? अरे, x को क्यूब क्यों किया? ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा शर्मा, ये क्या लिखा हुआ है? सर, आपने क्वाड्रेटिक कहा था. अरे, तो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाइड बाई एक्स लीनियर. हाँ, तो ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक को एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्यूबिक मिलेगी हमेशा. हम हमेशा कह ले रहे हैं, पहले वाले में माइनस था, इस वाले में प्लस लिया है. ये सिंपल एग्जांपल है, इसलिए मैंने लिखा हुआ. अगर कॉम्प्लेक्स लिया तो फिर नहीं समझ में आएगा. मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया. हाँ शिखर, यू रेज योर हैंड, व्हाट इज द डाउट? ठीक है, अब एक बार बता रहा हूं. एक्स स्क्वायर, एक्स की को तीन लीनियर को करेंगे तो, करके देखो एक बार. तीन लीनियर्स, दो लीनियर मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसके मैक्सिमम जीरोस कैलकुलेट हो जाएंगे. जब एक क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बन ही गए, तीन लीनियर होंगे, तो मैक्सिमम केस बन गया ना क्यूबिक वाला. क्योंकि तीनों लीनियर क्या बन सकती हैं? इंडिविजुअल इंडिविजुअल जीरोस बन सकती हैं. उस केस में उसके मैक्सिमम जीरोस, अगर एक क्वाड्रेटिक जो इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक्स एक्सिस को, उस केस में उसके जीरो जाएंगे जीरो. और एक मिनिमम वाला तो रहेगा ही रहेगा लीनियर वाले से, तो मिनिमम आएगा 1. तीन लीनियर का प्रोडक्ट क्यूबिक होगी क्या? अरे होगी. मैं जो पूछ रहा था उसका जवाब दो.
कि एक्स स्क्वायर में अगर एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करूं क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? एक्स इज इवन बोथ बेटा पॉलिनोमियल की जब वैल्यू कैलकुलेट करते हो हर एक्स की जगह क्या पुट करते हैं? हर एक्स की जगह क्या पुट करते हैं? जो वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो जब कंप्लीट में ही पुट करूंगा तो कंप्लीट में ही पुट होगा ना जीरो तो? मैं डिग्री की बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ ये बोला है कि एक्स की ऐसी कोई वैल्यू बताओ जिसके लिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाए। सर्वे केसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, यहां से क्या लगा दिया तुमने? किस चीज की बात कर रहे थे? एक मिनट रुकना, मैं तेरे को अनम्यूट करता हूं, बोलना तो क्या बोलना चाह रहा। हाँ बोल अखिल शर्मा, फिर से म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर अपने सिस्टम से। हाँ बोल सर, आप डिग्री बोल रहे हो किस चीज की? सर ये जो पॉलिनोमियल्स है, तो डिग्री का बोलूंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके अंदर डिग्री कितनी होगी? तो थ्री 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 कैसे कैसे आ सकती है? या तो तीनों लीनियर हो या एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर हो, इसके अलावा कभी हो सकती है? नो सर। तो तीन लीनियर होगी तब तो मैक्सिमम केस आ गया, और एक क्वाड्रेटिक होगी तो मिनिमम आ जाएगा, तो थ्री हो जाएंगे ना? हाँ तो थ्री हो जाएंगे, थ्री तो थ्री तो है ही डिग्री क्यूबिक का, तब क्यूबिक का तब डिग्री तो थ्री रहेगी ही रहेगी, डिग्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो तीन लीनियर ले सकते हैं? तीन लीनियर किसमें है सर? ले सकते हैं ऐसे, अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में तीन लीनियर नहीं थी, इससे पहले वाला एग्जांपल लिखा हुआ था x की पावर 3 माइनस x, x x स्क्वायर माइनस 1, x x माइनस 1 और x प्लस 1, ये दो और तीन, तीन लीनियर लिखी हुई है देख। ये अगर से स्कूल में भी ऐसा हो क्या हो? हाँ उसमें तीन लीनियर है, तीन जीरो आ गए उसके। अखिल शर्मा, इस वाले में तीन लीनियर बनी तो तीन जीरोस हो गए, अगर दो क्वाड्रेटिक हैं किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट करेगा एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो मैं ये बोला था कि एक क्वाड्रेटिक होगी और एक लीनियर होगी, ठीक है? किया क्या यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक है एक लीनियर है, इस क्वाड्रेटिक का कोई भी जीरो नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और अगर x स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा हमेशा कैसा होगा, या तो जीरो बनेगा या पॉजिटिव बनेगा, जीरो बना 100 है तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बना 100 है फिर से पॉजिटिव, तो इस पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक वाले की कभी भी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, सिर्फ एक ही वैल्यू जीरो बन सकती है किसकी? लीनियर वाले की, और लीनियर वाले के लिए वैल्यूज कितनी हो सकती है मैक्सिमम? एक, तो उस केस में क्यूबिक की मिनिमम जीरोस कितने कैलकुलेट होंगे? 1। वर्षीय में इतनी देर से यही समझा रहा था मिनिमम जीरो जीरो क्यों नहीं है, मेरे को ये बता दो कि ऐसी वैल्यू जिसके लिए कभी जीरो ना, ऐसी वैल्यू या ऐसी सर आपकी आवाज की तरह आ रही है, की तरह नहीं मतलब आवाज रोबोट की तरह आ रही है, तो रोबोटिक पढ़ा रहा तुम्हें सर, क्यूबिक में जीरो हो, मैं बोल रहा हूँ क्यूबिक के मिनिमम जीरोस होंगे 1 और मैक्सिमम होंगे 3, मैक्सिमम तो पता है
या जितने डिग्री होगी उतने तो होंगे ही होंगे, और मिनिमम डिसाइड करेगा या तो होंगे कभी जीरो या होंगे वन, इसके अलावा ऐसा कोई केस नहीं बनेगा। मिनिमम हमेशा कितने होंगे, या तो जीरो होगा या वन होगा। लीनियर में है वन, क्वाड्रेटिक में है जीरो, क्यूबिक में है वन, ठीक है सर। कैन दिस बी ए वैल्यू विद जीरो जीरो, सिर्फ हाँ वो बता रहा हूँ अभी, ठीक है। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ जीरो होंगे पॉलिनोमियल किससे डिसाइड होते हैं, डिग्री से। अगर डिग्री वन है तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों इक्वल, मैक्सिमम तो बोला ही है कि उसकी डिग्री भी इक्वल होंगे हमेशा, ठीक है जितनी भी होगी। अगर डिग्री 10 है तो मैक्सिमम उसके जीरो होंगे 10 और मिनिमम होगा जीरो। अभी ये कैसे पता चलता है, यही बता रहा हूँ। अर्शिया सिरोही सर, क्यूबिक का मिनिमम जीरो वन क्यों है, अभी भी समझ में नहीं आया सर। वन की पावर जीरो हो तो वो वन हो जाएगा, हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है। क्यूबिक कैसे करेंगे, अरे तो वन तो है नहीं कहीं पे, एक्स चल रहा था, एक्स की वैल्यू बाद में पुट की है। क्यूबिक के मिनिमम जीरोस वन क्यों होंगे, चलो फिर एक चीज ही बता देता हूँ सीधा सीधा। इवन अगर डिग्री होगी तो मिनिमम होंगे जीरो, और अगर ओड डिग्री होगी तो मिनिमम जीरोस होंगे वन, बस ये याद कर दो। क्यूबिक कैसे करेंगे, एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर को मल्टीप्लाई करते हैं, तीन लीनियर को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा क्यूबिक आए, और वन ना तो लीनियर में है ना क्वाड्रेटिक में होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनानी है क्यूबिक तो एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक या फिर तीनों लीनियर, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर किसी ऑप्शन से अगर बनाएंगे, बेटर डिग्री जीरो कैसे होगी क्यूबिक में, क्यूबिक की पहले से पता है क्या कि क्यूबिक की डिग्री तो थ्री है, मिनिमम डिग्री थोड़ी बोल रहा हूं मैं बोलूं कि मैक्सिमम जो जीरोस होंगे वो डिग्री के इक्वल होंगे, मैं जो बोल रहा हूं सेम वही चीज सुनो, मैं कंप्लीट लिख देता हूं। मैक्सिमम जीरोस आर इक्वल टू डिग्री, ये लो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल, बस इतना ही, आगे में कुछ नहीं बता रहा, नो एग्जांपल्स, ठीक है। क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल कैसे होंगे, मैक्सिमम तो होंगे उसकी डिग्री के इक्वल, मिनिमम होंगे या तो जीरो होगा या वन होगा, ठीक है। अगर उसकी डिग्री इवन है तब तो मिनिमम होंगे जीरोस, ठीक है, और अगर उसकी डिग्री ओड है तो मिनिमम जीरोस होंगे वन। अब क्लियर है, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल कहां से डिसाइड होंगे, उसकी डिग्री से। मैक्सिमम कहां, मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम होंगे उसकी डिग्री के इक्वल, और मिनिमम कहां से डिसाइड होंगे, अगर इवन डिग्री है तब तो जीरो, अगर ओड डिग्री है तो वन। कनिष्क व्हाट इज दिस, हर्ष इज ऑन अनदर लेवल, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम जीरोस, वो बेटा उसको या तो फैक्टराइज करेंगे या कुछ और करेंगे, कैसे भी करके उसके सॉल्यूशंस बनाते हैं, वो बात की बात है। मैंने सिर्फ ये बताया कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करेंगे कि उसके कितने होंगे। हमेशा क्या पूछा जाता है कि या तो मैक्सिमम पूछा जाएगा या मिनिमम पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा इसके कौन कौन से जीरोस हैं, वो सॉल्यूशंस में आएगा, वो तब की बात है। हर्ष का क्वेश्चन एक्सप्लेन करना, हर्ष का क्वेश्चन क्या है,
अब सर दो क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करके एक लीनियर से डिवाइड कर दे तो भी क्यूबिक बन जाएगा क्या? बेटा दो क्वाड्रेटिक एक लीनियर से डिवाइड किया तो इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक की दो लीनियर बनेगी और उनमें से एक कैंसिल हो जाएगा तो वापस रिजल्टेंट वही आएगी, एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर। क्वेश्चन उसने ये बोला है कि दो क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट किया तो उसकी डिग्री कितनी बन जाएगी? चार। फिर एक लीनियर से डिवाइड किया तब उसकी डिग्री बन जाएगी थ्री। तो जब उससे डिवाइड हो ही गया तो एक फैक्टर तो एग्जैक्टली कैंसिल ही हो गया तो बाकी बचा क्या? एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर। अब ये है अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी, ठीक है, मिनिमम कितने होंगे, अगर उसकी डिग्री इवन है तब जीरो, अगर ओड है तो वन। ठीक है, अपने को सॉल्यूशंस बना के चेक नहीं करने की कौन कौन से उसके सॉल्यूशंस हैं। क्वाड्रेटिक तक के अपन करेंगे, क्यूबिक तक के अपन करेंगे, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर बचा तो मतलब क्यूबिक हुआ। हाँ ठीक है, मान लो कि मैंने लिखा एक्स की पावर सिक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब अगर एक पॉलीनोमियल लिखिए और पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? सर जितना समझ आया उतना भी भुला देगा। मैक्सिमम कितने होंगे? सिक्स। मिनिमम? मिनिमम जीरो। मंतेज शर्मा, वन कैसे है मिनिमम? डिग्री कितनी है इस पॉलीनोमियल की? डिग्री है सिक्स और सिक्स इज ए इवन नंबर और है इवन नंबर और इवन के केस में मिनिमम कितना होगा? जीरो। तो मिनिमम होंगे इसके जीरो और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सिक्स। अपने को सिर्फ पॉसिबिलिटी बतानी, अपने को एग्जैक्ट नहीं बताना कि क्या है सॉल्यूशन, अपने को बस एक जनरल है गलती से ली। ओके ठीक है, तो आज अपन ने सिर्फ इतना देखना था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अपने पास सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बचा है इस चैप्टर का, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले डिग्री पूछी थी कि डिग्री थी सिक्स, ठीक है, और उसके बाद मैंने पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, मैंने पॉसिबिलिटी पूछा था, मैंने एग्जैक्ट नहीं पूछा था, पॉसिबिलिटी के केस में कितने हो सकते हैं? सिक्स। एक क्यूबिक पावर सिक्स पर एक जो पॉलीनोमियल होगी जिसकी डिग्री सिक्स होगी उसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सिक्स। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? जीरो। क्यों? क्योंकि सिक्स कैसा है? इवन। एनसीईआरटी सर एनसीईआरटी कब होगी? बेटा मैंने क्या कहा, अभी सिर्फ एक पार्ट बचा है जिसके अंदर अपन बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलीनोमियल, कि मतलब दो का प्रोडक्ट करेंगे तो एक वही वाला पार्ट। सर इसका डीपीपी कब मिलेगा? इसका डीपीपी नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा होमवर्क, और इसका होमवर्क है, इसका होमवर्क अभी नहीं मिलेगा, इसका होमवर्क मिलेगा नेक्स्ट क्लास के बाद। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुका हूं सबको। फॉरगिव मी अखिल शर्मा फॉर व्हाट? ये क्या बाय स्प्लिटिंग मैट्रिसेस? ओके गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।